जे आर सी एम, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल जे आर सी एम टेक। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। जैसे कि हम बहुत दिन से आप सभी से बात नहीं कर पाए और कुछ बीच में ज़्यादा बिजनेस का प्रेशर था और काम में मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए तो बीच में हमारा एक चीज़ चला गया जिसको हम मीटिंग बोल रहे थे। हमारा ट्रेनिंग था, तो हमारा जो ट्रेनिंग था उसके लिए हमें टिकट पहले से बेचना पड़ता है और सीट कन्फर्म करना पड़ता है, फिर बाद में हमारा जो सेमिनार या ट्रेनिंग रहता है वो करते हैं। लेकिन देखिए, बहुत समय में ये होता है कि हम टिकट बेचने में बहुत दिक्कत फील करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ये मना कर देगा तो हम बेच नहीं पाते। कुछ समय हमें दिक्कत होता है कि टिकट देने के लिए, लेकिन मैं ये जानता हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट लगता है, मुझे बहुत मोटिवेट लगता है टिकट देने में, क्योंकि हम जब किसी को बुलाते हैं सेमिनार में, उनका जीवन को बदलने के लिए इस तरह सोच लेकर हम बुलाते हैं। यदि हम उसी तरह सोच से हम किसी को बुलाने के लिए जाएंगे तो ये मुझे मालूम है कि 100% हम जो चीज़ लेके गए हैं उनको हम अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो कुछ ऐसा मोटिवेट होना चाहिए, पहले हम खुद को मोटिवेट करना चाहिए, फिर हम जो डिस्ट्रीब्यूटर को पास जाते हैं टिकट देने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो मोटिवेट जो ट्रांसफ़र करना चाहिए, देखिए हमारा बात से वो नहीं आएंगे, लेकिन हमारा जो मोटिवेट, हमारा जो एनर्जी और उत्साह था वो उसी से आ जाएंगे। तो पहले तो हम किसी को, देखिए ये होता है ना, कभी भी कोई लड़का आर्मी में एडमिशन होता है, एडमिशन के बाद उनको 6 महीने या 1 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। एक साधारण सा लड़का जब आर्मी का ट्रेनिंग दिया जाता है तो वो 10 आदमी का ऊपर भारी हो जाता है। उसी तरह एक ब्राह्मण की ट्रेनिंग मिलेगा तो वो ब्राह्मण की तरह सारी मंत्र वेद ज्ञान आ जाएगा। डॉक्टर की ट्रेनिंग मिलेगा तो डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन एक गरीब आदमी को पैसे के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा तो वो पैसा वाला बन जाएगा। तो इसी तरह आप जब किसी को बताने के लिए जाते हो, जब हम किसी को बुलाने के लिए जाते हैं, जब मीटिंग के लिए बुलाने के लिए जाते हैं, तो इस लीडर का, उस हॉल का और उस मीटिंग के बाद लोगों को कैसा ज़िंदगी बदला है, 2-3 एग्जांपल भी देना है। फिर उनको ये जो मीटिंग का जो टिकट जितना भी रुपया रहेगा ना, उसमें पहले आपको संतुष्टि होना है, उनको मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। तो फिर और भी बहुत सारे बात है उनको बोलना चाहिए, जैसे कि ये बोलना चाहिए, जो आप जो मीटिंग के लिए जा रहे हो ऐसा उस मीटिंग में सिखाया जाएगा जैसे कि एक अमीर व्यक्ति अपने बच्चे को क्या सिखाता है जो गरीब और मध्यम वर्ग लोगों ने अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। तो ऐसा क्या सीखते हैं जो अमीर लोग अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग गरीब बनते हैं। तो इस तरह कुछ चीज़ है जो उनको बोलना है, पहले आपको खुद को मोटिवेट होना है फिर मोटिवेट करना है। लेकिन टिकट आपका साथ में रहना चाहिए, लिमिटेड सीट है इसको भी बोलना चाहिए, क्योंकि हर मीटिंग में लिमिटेड सीट ही होता है, अनलिमिटेड कुछ नहीं होता। लेकिन उनको भी ये भी बुलाना है और बोलने के बाद उनको टिकट भी देना है। टिकट देने के बाद उनको बीच में, जब मीटिंग 2 दिन या 5 दिन से पहले किसी को टिकट दे दिए हैं, तो उनको बीच बीच में कॉल करके मोटिवेट भी करना है, फिर वो जो मीटिंग को आने के लिए वो माइंडसेट बना लेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि टिकट तो ले लेते हैं लेकिन उनका काम जब आ जाता है वो काम को प्रायोरिटी देके मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं, इस मीटिंग बहुत बार होता है लेकिन हम आज नहीं जा पाएंगे। तो इसी तरह आपको ये करना है कि पैसा उनसे ले लेना है, पहले टिकट देने के बाद पैसा भी ले लेना है, और पैसे लेने के बाद भी, बाद में भी बीच बीच में उनको कॉल करके ये उनको याद करा देना है कि जो आप जो टिकट लिए हैं वो इतने तारीख इतने समय उसी जगह में मीटिंग होगा, आपको पहले टाइम से पहले पहुंच जाना है। तो इसी तरह करके आप जब मीटिंग में उनको प्रमोशन करते जाएंगे तो आपका टिकट 100% से 100% बिक जाएगा। तो मेरी ये बात है कि मैं जो कर रहा हूँ उसी को आपको मैं बता रहा हूँ। इस काम को करने के लिए आपको प्रैक्टिकली जीवन से उतरना पड़ेगा, फिर जाके हो पाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में करोड़ों की टर्नओवर होने वाले हैं, लेकिन उस करोड़ों की टर्नओवर पहले आपका नीचे में कुछ लीडर होना चाहिए, फिर इस करोड़ों को में आपका भी कुछ शेयर परसेंटेज रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू, आप सभी ने इस चैनल को देखे और वीडियो भी प्रमोशन कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जे आर सी एम, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।